हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी में डांस करने आई। देखो, ये बेकार की बातें मत करो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे चुपचाप शादी कर लोगे और मुझे भनक तक नहीं लगेगी? आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि दिया था मुझसे वो निभाओ। कैसा वादा? अरे मुझसे शादी करने का वादा, और कैसा वादा? बच्चों जैसी बातें मत करो, समझी? हूँ मैं बच्ची और अपने प्यार को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें ये शादी रुकवानी ही पड़ेगी। बच्चों का खेल नहीं हो रहा है यहाँ। अरे भाई, तो मैं कह रही हूँ ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अच्छा, और शिवानी उसका क्या? अरे उसे और कोई लड़का मिल जाएगा, तुम दुनिया के आखिरी लड़के हो क्या? बस बहुत सुनी मैंने तुम्हारी, अब जाओ जाकर अपने इस दिमाग का इलाज कर लो। और एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, ये शादी तो अब नहीं रुकेगी, रोकर ही रहेगी ये शादी। तुम्हारा आखिरी फैसला है ये? मेरा हर फैसला आखिरी ही होता है। ठीक है, तुम्हें ये शादी बहुत भारी पड़ेगी, याद रखना। धमकी दे रहे तुम मुझे? धमकी ही समझ लो। अमित बेटा, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, पंडित जी बुला रहे हैं तुम्हें, आओ जल्दी आओ। जी मैं बस अभी आया, आप चलिए मैं आता हूँ। एक बार और सोच लो, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। सर कोल्ड ड्रिंक। बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। किसने भिजवाई ये कोल्ड ड्रिंक? मतलब सर, मतलब ये कि अनन्या ने भिजवाई है ना कोल्ड ड्रिंक? क्या मिलाया इसमें? मैंने सर, ये बस कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है जा। एक बार और सोच लो, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। अरे क्या हुआ अमित, ऐसे क्यों डर गए? नहीं नहीं यार, कोई बात नहीं, तू बैठ आराम से। क्या बात है बेटा, कुछ खोए खोए से लग रहे हो। तब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। ठीक है बेटा, पंडित जी आप शुरू कीजिए। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासादिके शरणे तमके गौरी नारायण नमस्ते। हर्ष जी कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय हो गया। हाँ अभी एक मिनट। राधिका बेटा सुनो तो, जरा शिवानी को लेके आना। जी अंकल। तुमने उसे कॉल किया था? हाँ किया था, पर उसका नंबर भी नहीं लग रहा और वो किसी कमरे में भी नहीं है। इस तरह शिवानी शादी के दिन कहाँ जा सकती है? अरे भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, यहीं कहीं होगी, अभी मिल जाएगी।
चीख कैसी? चलो चलो चलते। शिवानी, 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 क्या हुआ मेरी बेटी को? शिवानी बेटा उठो, आंखें बोलो बेटा। शिवानी, नब्ज नहीं चल रही इसकी। नब्ज नहीं चल रही का क्या मतलब है? शिवानी बेटा, देखो आज तुम्हारी शादी है, दिनों का वक्त हो गया है, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे, बेटा आंखें खोलो। अब ये कभी जवाब नहीं देगी। जवाब नहीं देगी क्या मतलब है? शिवानी बेटा उठो, शिवानी, शिवानी उठो, शिवानी बेटा उठो, शिवानी उठो, शिवानी, इन कंधों पर मैंने झूला झुलाया था तुमको, क्या इन्हीं कंधों पर आरती उठवाएगी? शिवानी, 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 शिवानी। भारी चीज से जोर से वार किया है सिर के पीछे। सर लगता है इसी घाव की वजह से इसकी मौत हो गई। अभिजीत ये देखो, इस पत्थर पे खून लगा है, वैसे ही पत्थर से इसके सर पे वार किया गया, बाकी तो खून के फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। वो भी खूनी है, बड़ा बेरहम है। दुल्हन का खून कर दिया, वो भी शादी के कुछ घंटों पहले। क्या होता जा रहा है समाज को? Okay. मुझे तो लगता है कि शिवानी ने मरने से पहले अपने खूनी का चेहरा देखा भी नहीं होगा। अचानक आ गया, पीछे से हमला किया, पत्थर से सर पे वार किया। ऐसे लगता है कि इसे समझ में भी नहीं आया होगा और इसे दम तोड़ दिया। कोई घर वाला ही होगा, बाहर वाला होता तो नजर आ जाता। आप लोगों में कौन है जिसने शिवानी को आखिरी बार देखा था? सर हम दोनों ही सुबह से उसके साथ में थे, वो एक कमरे में तैयार हो रही थी, उसे घुटन महसूस हो रही थी, तो उसने हमसे कहा कि वो बाहर खुली हवा में जाके आती है, पर वो गई और आई ही नहीं वापस। सर ये पेंडेंट मिला है, इसके लहंगे में अटका हुआ था। शिवानी के बाकी गहनों से तो एकदम अलग है ये अल्फाबेट लिखा हुआ है। ए, इसे तो अमित है, इसे शादी होने वाली थी। अमित, ये पेंडेंट इसमें ए लिखा है, तुम्हारे लिए तो नहीं बनवाया था इसे? नहीं सर, अगर शिवानी ने ऐसा किया होता तो मुझे वो जरूर बताती। अच्छा आप सब लोग जरा ध्यान से देखिए, ये पेंडेंट कोई बता सकता है ये पेंडेंट किसका है? नहीं सर, पहले इसे कभी नहीं देखा। लड़कियों को तो अच्छी तरह ध्यान रहता है कि किसने कौन सा जेवर पहना है, और आप लोगों ने देखा नहीं इस पेंडेंट को? नहीं सर, नहीं देखा। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, अगर कोई कुछ जानता है तो साफ साफ बताइए, ये मत सोचिएगा कि सीआईडी की मदद करने से आप लोग फंसेंगे। पता नहीं इन लोगों ने देखा है कि नहीं, लगता तो ये खूनी का ही है। अच्छा जब ये सब हुआ उसके बाद किसी को बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं सर, कोई नहीं गया जहाँ से। लेकिन कोई पहले आकर चला गया हो तो वो तो पता नहीं हमें। वो हम लोग पता कर लेंगे, उन्होंने अपनी मौजूदगी का कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा, और उस तक पहुंचने की पहली कड़ी है ये पेंडेंट। माना कि मैंने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन आप इस तरह मेहमानों पर शक करके का अपमान तो न कीजिए प्लीज सर। अपमान नहीं कर रहे हैं हर्ष जी, शिवानी को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पेंडेंट मेहमानों में से किसी का है तो अभी पता चल जाएगा। सर
शायद किसी ऐसे मेहमान का हो जो शादी से जा चुका हो सकता है। तो फोटोग्राफर को बुला के लाओ। यस सर। आइए सर, ये जतिन है शादी के फोटोग्राफर। जतिन, मुझे शादी की सारी फोटोग्राफ देखनी, एक एक फोटोग्राफ। मगर वो तो 500 से भी ज्यादा है सर। 500 हो या 5000, सब देखनी है, दिखाओ। ओके सर। एक मिनट, पीछे वाली करना, पीछे वाली में। ओके सर। जूम करो इधर, जूम। जवंती पेंडेंट देख, वही लग रहा है। हाँ सर, ये तो वही पेंडेंट है। अच्छा, तो ये है वो लड़की। एक्सक्यूज मी, आप लोग पहचानते हैं इस लड़की? सर, हमने इसे देखा था, वो कोने में चुपचाप खड़ी थी, हमें लगा कि लड़के वालों की तरफ से है। क्या कर रही थी, किसी से कुछ बातचीत कर रही थी? हाँ सर, अमित जीजू से। ओ, मतलब दूल्हे राजा से। अमित, अगर भगवान कठिन समय दिखाता है तो उसे झेलने की शक्ति भी देता। अमित, कौन है ये लड़की, इसको पहचानते हो? अनन्या, अनन्या ने मारा मेरी शिवानी को। कौन है ये? सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन 3 महीने पहले हमारा रिश्ता टूट गया था। शादी पे आपने बुलाया था इसे? नहीं सर, मैंने तो बताया भी नहीं था कि मैं शादी कर रहा हूँ। तो अचानक शादी में कैसे आ गई और मुझे धमकी देने लगी? चुप, खेल नहीं हो रहा है। अरे भाई, तो मैं कह रही हूँ, ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बस तुम्हें ये शादी बहुत भारी पड़ेगी, एक बार और सोच लो अमित, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। नहीं, बड़ी धमकी दी अनन्या ने, और ऊपर से उसका पेंडेंट भी शिवानी के कपड़ों में मिला है। सर, इस सब से तो ऐसा ही लग रहा है कि अनन्या ने गुस्से में आकर शिवानी को मार डाला। लग तो यही रहा। आप जरा अनन्या का फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। सर, नंबर तो है मेरे पास, लेकिन अनन्या घर बदलने वाली थी और उस घर का एड्रेस नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, फोन नंबर दीजिए। जी। जिन यहां से भागा है, जरूर कोई गवाह या सबूत मिलना चाहिए। सर, ये इलाका इतना सुनसान है, यहां किसने देखा होगा उसे? शायद इस चावल में कुछ देखा। आइए आइए साहब, सुबह सुबह हमारी चाय पियेंगे, दिन अच्छा रहेगा। अदरक वाली स्पेशल चाय है। कब से चाय बेच रहे हो यहाँ पे? सब 3 महीना हो गए। चाय दूँ? चाय भी पी लेंगे, जल्दी क्या है, हम लोग CID से हैं। CID से? हाँ। यहाँ चाय बेचने के लिए कब आते हो? सब रात को 8 बजे से। रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता है पेट के लिए। अच्छा, कल यहाँ पर काफी लोग आए हुए होंगे, यहाँ पे फार्म हाउस में शादी थी ना? हाँ साहब, बहुत मेहमान थे, लेकिन एक औरत अजीब ही थी। अजीब औरत मतलब? साड़ी पहनकर बाइक चला रही थी, वो भी 80-100 की रफ्तार में। साड़ी पहन के बाइक चला रही? हाँ साहब, लेकिन उनकी हरकत है ना आदमियों जैसी थी, तो देखकर मैं तो दंग ही रह गया। उस औरत का चेहरा देखा तुमने? बाइक बहुत तेज रफ्तार में थी, चेहरा नहीं देख पाया। साड़ी कौन से रंग की थी? पीले रंग की साड़ी थी। पीले रंग की साड़ी, नाम क्या आपका? घनश्याम साहब। शुक्रिया घनश्याम। सर, इसका मतलब मुजरिम एक आदमी था जो औरत के भेस में जुर्म करने आया था। मुझे पूरा यकीन है वो आदमी ही था। आगे देखते हैं, क्या कुछ और पता चल जाए उसके बारे में। सर, सर ये देखिए साड़ी। लगता है ये वही पीली साड़ी है जिसके बारे में उस चाय वाले ने हमें बताया। सर, शायद ये वही बेरूपिया मुजरिम है जो अलग अलग भेस बदल कर शादियों में घुसता है और लूटपाट को अंजाम दे रहा है।
हो सकता है। सर अब तक तो ये मुजरिम सिर्फ चोरी करता है, कभी किसी का खून नहीं किया। फिर शिवानी? सर शायद शिवानी ने इसको देख लिया और शोर मचाने की कोशिश की, पकड़े जाने के डर से उसने शिवानी को मार दिया। लगता तो कुछ ऐसे ही है। चलो देखते हैं घर में कोई सामान चोरी हुआ है या नहीं। आप जी मेरी बेटी। अर्जी हम आपका दुख समझते हैं, जानते हैं ये समय आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें शक है कि यहाँ पे चोरी हुई है। आप जरा चेक करके बता सकते हैं कि सारा सामान ठीक ठाक है या नहीं? ठीक है। ये क्या? सर ये देखिए, सारे पैसे सारे गहने चोरी हो गए। ये देखिए सर, सब कुछ चोरी हो गया। सर ये लॉक तोड़ा नहीं गया बल्कि बहुत ही सफाई से खोला गया। मतलब चोर नौसिखिया नहीं है, कोई शातिर है। सर अगर उसे पैसे और गहने चाहिए थे तो ले जाता, मेरी बेटी को मारने की क्या जरूरत थी। हर्ष जी आपको किसी पे कोई शक है, किसी से कोई दुश्मनी? क्या लगता है क्यों मारा होगा किसी ने? नहीं मुझे नहीं लगता मेरा ऐसा कोई दुश्मन होगा जो मेरा इतना बुरा चाहेगा। मुझे तो लगता है ये उस बैरूपिये का ही काम है जिसकी साड़ी दया को मिली थी झाड़े में। अनन्या भी तो हो सकती है सर, वो भी तो गायब है। पता चल जाएगा फ्रेडी अनन्या का काम है या उस बैरूपिये का, या दोनों ने मिलके किया है। बैरूपिये मुजरिम ने अब तक 5 शादियों में लूटपाट की है, अलग अलग भेष बदल के, कभी पंडित बनता है तो कभी कैटरिंग वाला, कभी टेंट वाला तो कभी बाराती। और लगता है ये इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं, बहुत शातिर है। ठीक है सचिन, पर इस बार फर्क ये होगा कि ये अगली शादी में लूटपाट को अंजाम नहीं दे पाएगा, पकड़ा जाएगा। और सर फिलहाल तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, हर दूसरी गली में शादी हो रही है, तो ये पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा ये खूनी अपना अगला शिकार किसको बनाने वाला है। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा निखिल। सर इस अपराधी के पिछले सारे गुनाहों में एक चीज कॉमन है, ये सिर्फ बड़े लोगों की शादियों में लूट करता है, अमीर बिजनेसमैन, फिल्म के प्रोड्यूसर्स वगैरह वगैरह। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को अपना शिकार बना रहा है। मगर इस बार कम से कम 10-15 बड़े परिवारों में शादी हो रही होगी। इस सब में एक बात कॉमन है, उसने पहला जुर्म किया यहाँ सांगानेर के पास, दूसरा भिवंडी के पास, तीसरा शिकाराबाद में, चौथा जुबेर नगर में और पांचवा ट्रांसपोर्ट नगर में। ये सारे इलाके तो शहर से थोड़े बाहर की तरफ है। एग्जैक्टली फ्रेडी, सबसे पहले हमें पता करना होगा ऐसी कितनी शादियां हैं रईसों की जो शहर के बाहरी इलाकों में होने वाली है। आप कान खुले रखना, इतना तो तय है कि वो बैरूपिया यहीं पे है, लेकिन किस भेस में होगा ये पता नहीं। यहां से किसी को बाहर मत जाने देना। किसी को अगर जरूरी काम से बाहर जाना होगा तो? इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? बाथरूम। किसी को अगर बाथरूम जाना होगा तो? इसका इंतजाम होता है अंदर, जो शादी में आया कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? यस सर। हाथ आते आते रह गया, बहुत चालाक है। सर भागते चोर की बैग। सर ये तो मेकअप का सामान है। अच्छा इसी का इस्तेमाल करके भेस बदल रहा था ये। पहली बार देख रहा हूं सर कोई मेकअप का इस्तेमाल जुर्म करने के लिए कर रहा है। एक मिनट खड़ी है। हाँ
जिस मेकअप का इस्तेमाल वो जुर्म करने के लिए कर रहा है ना, अब उसी मेकअप बैग के लोगों से वो पकड़ा जाएगा। हमारे हाथ आते आते रह गया वो मुजरिम। तुमने सोचा था उससे ज्यादा चालाक निकला। चाहे वो कितना ही चालाक और फुर्तीला क्यों ना हो, हमारे हाथों से ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। निकल, कुछ पता चला उस मेकअप किट वाले लोगों से? बस सर 2 मिनट। सर पता चल गया, किसी रोज फैशन हाउस के नाम पे। हो सकता है ये मुजरिम इस फैशन हाउस में काम करता। हाँ सर, इसीलिए वो अच्छा मेकअप कर लेता है हर बार। या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद ही एक मेकअप आर्टिस्ट हो। सर, आशिया, क्या पता चला उस पेंडेंट से जो शिवानी के लहंगे से मिला? सर ये एक कस्टमाइज्ड पेंडेंट खास ऑर्डर देकर बनवाया गया है। बाजार में ज्वेलरी की जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मैंने हर जगह पता किया। सर एक वेबसाइट है आभूषण.com, सभी दुकानदारों का यही कहना था कि ऐसे जेवर उसी वेबसाइट पे खास ऑर्डर देकर बनवाए जा सकते हैं। आभूषण.com? यस सर। इस आभूषण.com के ऑफिस में जाके पता करना होगा कि वो ग्राहक कौन है जिसने इस पेंडेंट का ऑर्डर दिया था। सर, अनुष्का जी की ड्रेस के लिए ये वाला मटेरियल ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा था ना उन्हें सैटन में कुछ चाहिए। देखो रवि, ठीक से काम करो और मुझे ना किसी भी कस्टमर की कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, समझे? सॉरी सर। सॉरी मत बोलो, काम पे ध्यान दो, फिर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंसान को जितना कम सॉरी बोलना पड़े उतना अच्छा उसके लिए। वो तो है सर, पर आप लोग? अच्छा अच्छा, आप लोग स्पार्क विहार कंपनी से आए राइट? नहीं नहीं, हम लोग CID से। CID? क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम हो गई? हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा आप ये बताइए कि आपके पूरे स्टाफ आज यहाँ पर मौजूद है? रघु को छोड़कर सब आए हैं सर। रघु? सर हमारा मेकअप आर्टिस्ट। रघु मेकअप आर्टिस्ट, और आप वजह से नहीं? सर उसने 2 दिनों की छुट्टी ली है। और ये अक्सर छुट्टी लेता है? आपको कैसे पता सर? अब क्या बताऊँ, पिछले कुछ महीनों से उसकी ज्यादा छुट्टियाँ हो गई हैं। इस बार ना मैं उसकी तनख्वाह काटने की सोच रहा हूँ। अच्छा, इस रघु का यहाँ कुछ सामान है? हाँ सर, वो ब्लू थैली में कुछ सामान रखा है उसने। सर ये टेबल के नीचे। किसे फोन कर रही हैं? मैम रघु को। कोई जरूरत नहीं, जब तक हम ना कहें उसे कोई कुछ नहीं बताएगा। सॉरी मैम। ये सामान है उसका? हाँ सर यही है। सर ये गमबूट्स, नीली टोपी, ये ग्लव्स, ऐसा हुलिया तो उसने कभी नहीं बनाया पहले। ये कैसा हुलिया हो सकता है सर? मुझे लगता है ये कोई इलेक्ट्रिशियन बनने वाला है। ये गमबूट्स, ये दस्ताने, ये सब बिजली के झटके से खुद को बचाने के लिए। अच्छा आप लोगों को रघु के सामान के बारे में कुछ मालूम है? हाँ सर, मैंने देखा था उसे ठीक कुछ ऐसा ही सामान अपने बैग में रखते हुए। मैंने पूछा भी कि क्या है ये सब, मगर उसने ठीक से कुछ जवाब दिया नहीं। हाँ सर, पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव कुछ अजीब हो गया है, अपनी ही धुन में रहता है। आसपास क्या हो रहा है उसे किसी चीज का कोई होश नहीं रहता। होश कैसे होगा, आजकल उसे अपना ध्यान कहीं और लगा रखा है। कहाँ सर? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा उसने आप लोगों को किसी शादी में जाने की कोई बात कही थी, कुछ पता है? रघु की शादी? नहीं उसकी शादी नहीं, किसी शादी में जाने वाला है, ऐसा कुछ बताया आप लोगों को? नहीं, नहीं सर। आओ जी। अच्छा पेंडेंट किसी हेमा का है? चेक्स कॉल सेंटर में काम करती है। ओके ठीक है, जैसे कुछ पता चलता है हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके सर। यही है वो हॉस्टल जहाँ हेमा रहती है सर, उसी ने वो पेंडेंट ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। एक्सक्यूज मी, हेमा को बुलाइए, हम लोग CID से। CID? जी। हेमा को नीचे भेजना। सर आप लोग वेट कीजिए, वो अभी आ रही हैं। हेमा
हेमा जी, मैं ही हूँ हेमा। पर आप लोग? मैं जयवंती। मैं फ्रेडी। सॉरी पर मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको तो पहचानती हैं। अरे ये पेंडेंट, ये कहाँ से मिला आपको? वहीं से जहाँ से आप इसे छोड़ के आई थी, लाश के पास। लाश? किसकी लाश? और ये क्या मजाक है? कोई मजाक वजाक नहीं है, तुमसे पूछताछ करने आए हैं, सीआईडी से हैं हम। सीआईडी? शिवानी का खून क्यों किया? नहीं सर, मैंने किसी शिवानी का खून नहीं किया। पर ये पेंडेंट भी मेरा नहीं है, ये तो मैंने अपने रूममेट अनन्या के लिए लिया था। हाँ। अनन्या? अनन्या तुम्हारी रूममेट है? है नहीं सर, थी। मतलब उससे 3 महीने पहले ही कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी और यहाँ से भी चली गई। अचानक जॉब छोड़ने की कोई वजह? सर उसने वजह तो नहीं बताई, बस इतना कहा कि अब मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत क्यों होगी? लाखों करोड़ों के जेवर जो आ रहे हैं उसके पास अलग अलग शादियों से। सर ये रघु और अनन्या आपस में जरूर मिले हुए हैं। लाखों करोड़ों के जेवर? वो आप छोड़िए, ये बताइए कि अनन्या के मुंह से कभी किसी रघु का नाम सुना था? रघु जी नहीं। अभी कहाँ रहती, कुछ मालूम है आपको? हाँ सर, मैं एक बार उसके घर गई थी, श्यामनगर। श्यामनगर? सर पड़ोसी बता रहे हैं कि उन्होंने कई दिनों से अनन्या को यहाँ नहीं देखा। तो उसने कुछ गड़बड़ जरूर करी है लड़की। अमित ने जो एड्रेस दिया था पुराना, वहाँ से भी गायब। कॉल सेंटर का हॉस्टल भी छोड़ के लिया। उसे पता चल गया होगा कि हम लोग उसे पकड़ने वाले, इसीलिए भाग रही है यहाँ से वहाँ। दरवाजा खुला? पूरा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ, तो हाथापाई हुई है लगता है। चेक कर लो जरा घर को। सर ये पर्दे पे खून लगा हुआ है। मिला? इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है अभी हाल में ही हुआ है। ये घसीटने का निशान। लगता है यहां से किसी को घसीट के ले जाया गया है। सर कहीं अनन्या की लाश को क्या पता, अनन्या है या कोई और है, लाश है कि भी नहीं, जिंदा आदमी को भी तो घसीट सकते हैं ना। लेकिन इतना तय है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। सर अब तक तो हमें लग रहा था कि इस सब में शायद अनन्या का भी हाथ हो सकता है, पर उसके घर का नजारा देख के तो यही लग रहा है कि मामला कुछ और है, वो खुद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। सर शायद ये बहरूपिया खूनी अच्छी तरह से जानता था कि हम वहाँ जाने वाले और अनन्या के जरिए उस तक भी पहुँच जाए, इसीलिए जब तक हम वहाँ पहुँचते उसने अनन्या को गायब कर दिया। ये बहरूपिया मुजरिम, ये हमेशा से हमसे 2 कदम आगे रहा है। ये बात तो तय है कि वो जिस किसी भी अगली शादी में जाएगा वहाँ पर वो इलेक्ट्रिशियन के भेस में जाएगा। सर सर शहर के बाहरी इलाकों में जितनी भी रईस लोगों की शादियाँ हैं उनकी लिस्ट, कुल मिला के 7 लोगों की शादियाँ हैं। अरे बाप रे, मतलब 7 शादियों पर नजर रखनी पड़ेगी? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेडी, हमें सिर्फ इतना करना है कि इन सारे शादियों में फोन करके पूछना होगा कि वहां पे बिजली की कोई समस्या है या नहीं, क्योंकि ये आदमी वहां पर भेज बदल के जाने वाला है, और अगर ऐसा है तो अब तक वहां बिजली की छेड़छाड़ शुरू कर दी होगी उसने। कॉल करके देखते हैं। हेलो क्या पे बिजली की दिक्कत हो रही है? हाँ हाँ, तो आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया अपने शादी में? बुलाया है?
अच्छा नहीं 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 वो बात नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। वो क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है ना, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर चीज का ख्याल रखें, ये देखें कि आपके यहाँ पे बिजली ठीक से आ रही है या नहीं। अब वैसे भी ये शादियों का सीजन है। जी हाँ ओके ओके थैंक यू, शादी मुबारक हो। या मतलब पनवेल वाली शादी में जा रहा है इलेक्ट्रिशियन बनके? जा तो रहा है, वहां से वापस नहीं आएगा। इसके लिए जेल में मंडप सजाओ। हे भगवान, क्या सब कुछ लेके गया? सब पैसे लेके भाग गया। अब कैसे होगी मेरी बेटी की शादी? लगता मुझे अपना काम करके निकल के आसपास ही होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो उसे। सर क्या हुआ? सर चोरी हो गई सर। हम लोग इलेक्ट्रिशियन नहीं है, मगर झटका बहुत तगड़ा मारते हैं हम। हाँ साहब, मैं अपना जुर्म मानता हूँ। मैंने इन बड़ी बड़ी शादियों में चोरी की ताकि मैं कुछ पैसा जोड़कर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकूं। बड़े नेक विचार है आपके। लोग अपने बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नौकरियां करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तुमने चोरी की और बाकी तो सब बेवकूफ है ना? ऐसा नहीं है साहब के मैंने मेहनत की रोटी कमाने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की साहब, पर मेरे पास वालों ने ही मेरी पीठ में छोरा घोंप दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? काम मैं करता था उसका श्रेय और इनाम कोई दूसरा लेके जाता था। मेरे नाम की बदौलत बहुत से लोगों ने पैसा और नाम कमाया और मैं गरीब था। पहले तुमने एक अच्छे मेकअप मैन होने का गलत फायदा उठाया, भेष बदल बदल कर जुर्म करने पहुंचे शादियों में। पहले चोरी की, अब खून किया। खून? अब क्या करें साहब? शिवानी को नहीं मारा तुमने? नहीं साहब, मैं बोला किसी को क्यों मारूंगा, मैं तो सिर्फ चोरियां करता था। बहुत हो गया तेरा नाटक। हर्ष जी की बेटी शिवानी का खून नहीं किया तूने? साहब मैंने उसकी लाश तो पड़ी हुई देखी थी, पर मैं क्या करता साहब, तो अगर मैं शोर मचाता तो पकड़ा जाता, इसलिए भाग गया साहब। तुम्हें कैसे मालूम कि उसकी मौत हो चुकी थी? हो सकता है उसकी सांसें चल रही हो। तुम भी किसी मुजरिम से कम नहीं हो, समझे? और अब ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ठीक से याद करके बताओ, तुमने शिवानी की लाश के आसपास किसी को देखा, किसी को भागते हुए देखा वहां से? हाँ साहब, मैंने किसी को तो देखा था बाइक पर भागते हुए। क्या शादी का कोई मेहमान था वो? नहीं, कोई बाहर से ही था शायद। साथी का चेहरा देखा तुमने? अंधेरा बहुत था, चेहरा नहीं देखा। बाइक का नंबर देख पाए? बाइक का नंबर नहीं देखा, पर नंबर प्लेट के पास कोई स्टिकर लगा था साहब। कैसा स्टिकर? एक स्टिकर था जिसपे RP लिखा था। हो सकता है बाइक के नंबर प्लेट पे खूनी के नाम का इनिशियल हो। नहीं निखिल, मुजरिम इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि अपने नाम के इनिशियल बाइक पे छोड़ के जाए। ये बात तो तय है कि इनिशियल ही है, पर ये किसी के नाम का इनिशियल है या कुछ और, ये पता करना पड़ेगा। अरे जल्दी जल्दी साफ सफाई करो, कस्टमर्स आने ही वाले होंगे। और हाँ, टेबल नंबर 17 पर उधारी की शराब मत देना, समझ गए तुम सब? जी सर। और अगर ज्यादा शराब मांगे तो बोल देना कि आज से उधारी बंद। ठीक है, आज से उधारी बंद। और शायद अब इस पब को भी बंद करने का वक्त आ गया है। सर मैं तो बस यूं कह रहा था सर,
दरअसल हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ सीआईडी। अपने पूरे स्टाफ को यहाँ पे बुलाइए, यहाँ पे लाइन में खड़ा कीजिए, हमें पूछताछ करनी है, जल्दी। जी जी सर। प्रेम, मदन, राजू, हरी, जल्दी आओ सब यहाँ पर। क्या हुआ सर? कल शाम हर्ष कुमार जी के बेटी की शादी में कौन गया था यहाँ से? क्या मतलब? कोई नहीं गया था? हाँ? सर जरूर कोई यहीं से गया था। हमने इस पब के सारे मोटरसाइकिल्स चेक किए, सब पे वही आरपी का स्टिकर लगा हुआ था जैसे रघु ने हमें बताया था। हर्ष कुमार का फार्म हाउस, हमारे पब की बाइक, ये पूछताछ किस चीज की हो रही है? हर्ष जी की बेटी शिवानी के मर्डर की, किसी ने उसका खून कर दिया। खून? क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? हाँ? कल शाम हर्ष जी के फार्म हाउस में तुम गए थे क्या? सर मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। तो एयर कंडीशन कमरे में तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? पूछो, चाप कर लो। सर पहली बार खून के पूछताछ हुआ देखकर घबराहट तो होगी ना? ऐसी घबराहट तो उसी को होती है जिसने गलत काम किया हो। जरूर कोई ना कोई है यहाँ जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मैनेजर साहब जरा अपना हाथ दिखाइए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो कल रात 1:30 बजे तक यहीं पर था। हमने कब कहा खून होने का समय? हमने बताया नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि खून 1:30 बजे से पहले हुआ? मैं तो बस बार बंद होने का टाइम बता रहा था। ओ। बच गया यार, अगर सीआईडी वालों को पता चल जाता वो तो मेरी चटनी बना देते। भाई साहब एक कॉल करना है। कर लो। हेलो हेलो, हाँ पप्पू बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं पीसीओ से बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। सीआईडी वाले मेरे पप पहुँच गए। हाँ यार कहाँ फंसा दिया। नहीं नहीं, मैं अब एक मिनट भी शहर में नहीं रुकूंगा, मेरा बचाओ पैसा मुझे वापस दो। मैं आज के आज मेरे गांव जा रहा हूँ अगली ट्रेन पकड़ कर। हाँ हाँ ठीक है, ओके। वैसे ये गांव जाने का आइडिया बहुत अच्छा है, शुद्ध हवा और नदी में डुबकी मार के नहाना। पर अफसोस ये सब तुम्हारे किस्मत पे नहीं है, तुम्हारे किस्मत पे है जेल की काल कोठरी और फांसी का फंदा। हाँ हाँ, मैंने ही मारा शिवानी को। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साहब, मेरा ईमान डगमगा गया। किसने दिए थे तुम्हें 5 लाख रुपए? वो उसने। उसने किसने? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी है, अब मैं तेरी जिंदगी को नरक बना दूंगी। सबको जाकर बता दूंगी कि शिवानी का खून तूने किया है। अफसोस अनन्या, अफसोस, तुम्हारी ये आखिरी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी क्योंकि यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जाओगी। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से, बहुत पछताओगे तुम। हाँ हाँ ठीक है पछता लेंगे, पर डार्लिंग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद में आंसू भी बहा लेंगे। अब वक्त आ गया है तुम्हें ऊपर पहुंचाने का। ऊपर तो हम पहुंचाते हैं मुजरिमों को। No!
शिवानी को मैंने ही मारा। पर क्यों? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी शिवानी के साथ। वो शादी एक दिखावा थी, असल में मेरा प्लान कुछ और था और शिवानी को मेरे प्लान के बारे में भनक लग गई थी। कैसा प्लान? मैंने और अनन्या ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि शिवानी से मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी करूंगा और उसके बाद सब कुछ अपने नाम करके उसे तलाक दे दूंगा। शर्म आनी चाहिए, पैसों के लिए इसका तक गिर गया था। मेरे लिए वो शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील थी और वो उस वक्त खराब हो गई जब शिवानी को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया था। और तुम डर गए कि कहीं पूरी दुनिया के सामने शिवानी तुम्हारी पोल न खोल दे। हाँ, क्योंकि अगर वो सब सामने आ जाता तो बिजनेस इंडस्ट्री में जो मैंने नाम कमाया था वो सब मिट्टी में मिल जाता। और इसलिए मैंने पप्पू को शिवानी की सुपारी दी और उसने बात तुरंत आकर अपने काम को अंजाम दिया। जब बिजनेस में तुम इतना नाम कमा ही चुके थे तो पैसों के लिए इतना गिरने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे बिजनेस में घाटा हो रहा था, अपना घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ गिरवी रख चुका था। मुझे पैसों की इतनी जरूरत थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा चुना हुआ रास्ता सही से गलत हो गया। तुम्हारे इस गलत रास्ते में इस अनन्या ने तो खूब साथ दिया था, फिर तुम इसे क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि सर दिन रात इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, मुझसे शादी करना। उस दिन शादी में भी आकर इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शादी कैंसिल नहीं की तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा वो पेंडेंट शादी के दिन शिवानी के लहंगे पे कैसे पहुंचा? बाहर जाते वक्त मैं उससे टकरा गई थी, शायद संयोग से। इसका मतलब है तुम नहीं जानती थी कि ये अमित शिवानी को मारने वाला है? सर मैंने कहा ना आपसे कि इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है। ये आज मुझसे यही कह रही थी कि अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो ये सबको जाकर बता देगी कि शिवानी का खून मैंने किया। गलत फहमी थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आज वो गलत फहमी दूर हो गई है। उम्मीद है तुम्हारी और भी कई गलत फहमियां दूर हो गई होगी कि जुर्म के रास्ते पे चल के कभी किसी के सपने साकार नहीं होते। तुम्हारा फैसला तो अदालत करेगी पर तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।